आप लोग रोजगार नौकरी इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इसी को लेकर थोड़ी सी तारीफ बनती है आपको, आपके व्यूअर्स को और यहाँ पर बैठे हुए तमाम आपके अतिथियों को मेरा प्रणाम। अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। जलेबी गढ़ने से नौकरियां नहीं बनती हैं। नौकरी बनाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट, कहां पर नौकरी बन सकती है, कैसे बन सकती है, वो समझना पड़ेगा। मैं दो शब्द पहले बजट पर बोलना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है ये कुर्सी बचाओ कवायद का बजट है। इसमें तमाम और राज्यों की अनदेखी करी गई है। मैं खुश हूं कि बिहार और आंध्र को ज्यादा दिया गया। बैसाखियां बवाल मचा रही थी, उनको देना जरूरी था, मैं खुश हूं। मैं चाहती हूं कि जिन 20 पुलों ने जल समाधि ले ली बिहार में, अब और पुल ना ले, अब पुल और सड़कें बन जाए। मैं चाहती हूं बिहार का, आंध्र का विकास हो। लेकिन मैं उसी तल्लीनता से उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत सारे इंसेंटिव्स चाह रही थी, जो मुझे नहीं दिखे, जो कल से खंगाल रही हूं, नहीं दिख रहे हैं। आपने क्योंकि रोजगार से शुरुआत करी तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहती हूं। पिछले बजट में जॉब्स का नाम वित्त मंत्री ने एक बार और एम्प्लॉयमेंट का नाम 3 बार लिया था। यह असल में सरकार समर्थन मूल्य वाला बजट है और यहां पर क्लियर है कि चुनाव में इनको शिकस्त, चुनाव में इनको जो ड्रबिंग हुई है, जो 63 सीटें ये हारे हैं, ये बेरोजगारी के चलते हारे हैं। और इसीलिए इस बार वित्त मंत्री ने 32 बार एम्प्लॉयमेंट और 8 बार जॉब्स, कुल 40 बार, पिछली बार 4 बार बोला था, ये शब्द बोलना पड़ा। इट हैज मेड अ रोरिंग कमबैक। मैं खुश हूं, ये होना चाहिए। फिर इन्होंने नकल उतारी, हमारा जो घोषणा पत्र था वहां से इन्होंने कुछ स्कीम्स की नकल उतारी है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम है, एक उसमें से इन्होंने इंटर्नशिप स्कीम की उतारी। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है और इधर उधर की लच्छेदार बातों से अकल तो आती नहीं है। इन्होंने जो स्कीम आई उसमें इन्होंने कहा 500 टॉप कंपनी में 1 करोड़ इंटर्न देंगे, पांच साल में। तो एक कंपनी में 20,000 इंटर्न, मतलब 4,000 इंटर्न कोई कंपनी ले सकती है पर साल। यह सवाल है मेरा आपसे, आपके यहां भी बहुत इंटर्न आते हैं, मैंने मीडिया में काम किया मुझे पता है। 4,000 इंटर्न टॉप 500 कंपनीज में हर साल, कहां से आएंगे वो इंटर्न्स, आप मुझे बताइए कैसे अब्सॉर्ब होंगे ये रोजगार के मौके पर। एक मिनट, और मैं छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ, आप नकल कर रहे थे, पूरी नकल करते, आप हर कंपनी को, पब्लिक प्राइवेट हर कंपनी को इसके लिए खोल देते और फिर आप कहते कि हम इंटर्नशिप देंगे, क्योंकि हाँ स्किल का डिफरेंशियल है। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ और ये सरकार के कर्मों में भी दिखता है, ये देश कृषि बाहुल्य देश है। इन्होंने कृषि का बजट काटा, इन्होंने शिक्षा का बजट काटा, इन्होंने स्वास्थ्य का बजट काटा, इन्होंने रक्षा का बजट काटा, तो इन्होंने पैसा दिया कहां है? इतनी जरूरत अगर बैसाखियों की थी तो आप स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रक्षा का बजट मत काटिए, सारा घालमेल हो जाएगा। अलग अलग इन सब मुद्दों पर बात करनी है। पहले कि सुधांशु जी पहले, हाँ, ये बजट एट अ ग्लांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। अच्छा है आप ये लेकर आए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये रोजगार वाले मामले पर आंकड़े हवा हवाई है क्या, ये सवाल है। बताता हूँ, पहली बात, सबसे ऑथेंटिक डाटा रोजगार पे होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, यानी जिस समय कोई एम्प्लॉई बनता है तब प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है ना, और एम्प्लॉयर भी जमा करता है। 2014 में 11 करोड़ खाते थे और 2024 में 26 करोड़ हो गए। अब आसमान से कोई एम्प्लॉई ने पैसा भी जमा कर दिया, एम्प्लॉयर भी आ गया पैसा जमा करने। अब बिल्कुल हम बात कर रहे हैं स्पष्ट, ये लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप लोगों ने इस बजट में देखा होगा इंडिया का रेवेन्यू रिसीप्ट कितना है, 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम का रेवेन्यू रिसीप्ट। और क्या कहे थे, हर परिवार को 1 लाख देंगे, परिवार कितने, 32 करोड़। भैया 27 लाख करोड़ की आमदनी है और 32 लाख करोड़ तो बांट देंगे, उसके बाद क्या होगा, न तनख्वाह, न पुलिस, न सेना, क्या होगा, कैसे होगा? और जा कहा था खड़ा घट 8,500 रुपए देंगे। भैया मैं कह रहा हूं जहां सत्ता में आ गए हो दो, 8,500 दो ना, खड़ा घट चलो कहते हो राज्य में कम है पैसा, 6,000 दे दो। ये है इनका अर्थव्यवस्था। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बचकानी नहीं, ये तो खतरनाक आदत हो सकती है। कल के दिन कोई आके गवर्नमेंट में कहेगा हम सबको 1 लाख रुपए दे देंगे, मैंने तो बिल्कुल स्टैटिस्टिकल डाटा सामने रख दिया। और नकल की बात,
जो 40 साल रूस की नकल की अर्थव्यवस्था चलाते रहे 91 तक, उसके बाद अमेरिका की नकल की व्यवस्था चलाते रहे, जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट ही नकलची था, वो आज आकर हमसे कह रहे हैं नकल की बात, तो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक लगता है। सवाल विपक्षी तरफ से कहा जा रहा है, एक तो वो 20,000 जो 500 टॉप कंपनियां हैं और 1 करोड़ को उनको ट्रेनिंग करवानी है 5 साल में, और दूसरी बात विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अग्निवीर योजना उसको लेकर वो वैसे ही घेर रहा है आप लोगों को। अब ये इंटर्नशिप के जरिए आप कॉरपोरेट अग्निवीर तैयार करने की योजना लेकर आ रहे हैं क्या? देखिए कितनी मजेदार बात है कि कम से कम इनको इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सरकार ने जो इंटर्नशिप स्कीम लागू की है उसमें इतने लोगों को लाभ मिलेगा। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने भी तो कहा था राजस्थान में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया? 5 साल सरकार निकल गई, नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में दिया, नहीं दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, ऐसा ही संदेह, मैं जो लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे हों, जब मोदी जी ने कहा था कि हमें इतने करोड़ जनधन अकाउंट चाहिए, तो उस समय जाकर चेक कर लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा 1 से 1.5 करोड़ से ज्यादा 1 साल में नहीं खुल सकते अकाउंट, और RBI ने कहा 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खुल सकते। फिर जब कहा गया नहीं ये 10 करोड़ आपको 2015 तक खोलने, फिर कहा गया पैसा कहां से आएगा, तो वो DBT से आया। इसलिए मैं कह रहा हूं वो किस दूरदृष्टि के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं उसको समझो, और DBT के बाद खाता खुलवाने के बाद खाता में पैसे डलवाने के लिए तब भी नोटबंदी भी आई। दूरदर्शिता जो है आप लोग वो नहीं देख पा रहे, इसलिए आपको लग रहा है कि ये वायबल नहीं है, आपको ये हवाई बात लग रही है। और सरकार जो है बजट ही को लेकर, और कह दूं जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार आ जाती है, बताइए कर्नाटक में सरकार आ गई, 2021 में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, 3.4 पे आ गया। इनकी सरकार खुद कहने लगी कि पैसे कमी है, और अपनी सो कॉल्ड गारंटी पूरा करने के लिए SC ST फंड का पैसा डाइवर्ट करना पड़ गया, पानी का हाहाकार हो गया है, सबको दिखाई पड़ा।